खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर नगर से है, जहां मंडल आयुक्त डॉक्टर राजशेखर ने कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी सरकार और कानपुर का स्थानीय प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है और ग्रामीण सीएससी को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और नए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों से लैस कर रहा है। कानपुर मंडल में कुल 32 नए ऑक्सीजन संयंत्र पाइपलाइन में है और उनमें से 12 विभिन्न जिलों के सीएससी में स्थापित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के सीएससी और पीएचसी में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विभिन्न स्वैच्छिक संगठन भी आगे आ रहे हैं। और इससे पहले भी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री का यहाँ पे आगमन हुआ था कानपुर नगर में और उन्होंने विस्तृत समीक्षा भी की थी, फील्ड विजिट भी किया था और उसी इस पे जो है निर्देश भी थे कि जितने भी हमारे सीएचसी है उनको कोविड के लिए तैयार कर लिया जाए। जी, तो कोविड के लिए तैयार करने के लिए दो चीज़ें होती है कि एक जो बेड की संख्या को बढ़ानी होती है जी, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि ऑक्सीजन जी जो है सप्लाई को सुनिश्चित करनी होती है जी। उसके लिए जो है यहाँ पे अगर हम बिलोर सीएससी एक ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन हो चुका है जी, और इस सीएसआर के तहत जी आगामी एक माह के अंदर अंदर लग जाएगा, शुरू हो जाएगा जी। कार्रवाई पूरी चल रही ग्राउंड लेवल पर, हम लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं जी। और आज जो है यहाँ पे परिवर्तन संस्था परिवर्तन फोरम द्वारा जो है जी यहाँ पे 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पे दिए गए हैं जी, डोनेट किए गए हैं और इनका पूरा टीम भी हम लोग के साथ है यहाँ पे जी। और क्योंकि माननीय विधायक जी ने पिछले 2 महीने पहले ही इस इश्यू को उठाया था कि जी यहाँ के क्षेत्रीय लोग जब कानपुर नगर में जब सिटी में जाते हैं दूर पड़ जाता है, तो बेहतर होता है कि अगर यहाँ पे हम लोग कोविड की फसलें तैयार कर लिया जाए तो यहाँ की स्थानीय जनता को बहुत आसानी होगी, सुविधा मिलेगा जी। दृष्टिकोण से इसका जो है विकास किया जा रहा है। सर, अब कितने पेशेंट यहाँ पर अब सुचारू रूप से वन टाइम में चालू हो सकेंगे प्रेजेंट टाइम में? 50 बेड को हम लोग लेके चल रहे हैं जी। 50 बेड का एक छोटा यहाँ पे सभी बेड में जो ऑक्सीजन सप्लाई होगा लोगों को जी। यहाँ पे सिलेंडर भी रखे गए हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी है और ऑक्सीजन प्लान भी मिलेगा। और यहाँ का जो स्थानीय इस पे किसी बताया जा रहा था कि एक्सरे मशीन यहाँ पे नहीं है, तो माननीय विधायक जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जी। अपना विधायक जी से अपने क्षेत्र के 4 सीएचसी में जी एक्सरे मशीन देने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है और मैं उम्मीद है कि शीघ्र महीने 2 महीने में ही ये कार्रवाई पूर्ण करके सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कानपुर से कमर महमूद की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।